Jai Hind and welcome back to our channel eMind. As you have seen in the last weekend of the month in our country, around 300 people have lost their lives and nearly 1,000 people were dead during train incident in Balasore. And this disastrous incident has put a question mark on the Kavach system, automatic train protection system in our country. तो देश में हो रही इस तरीके की बड़ी दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं, इस तरीके के टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम्स या TCS जैसे प्रणाली के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क्स लगाती है। आखिर ये प्रणाली और ये टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम है तो इसके बावजूद भी ऐसी बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएँ क्यों हो रही है? इस चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ATP क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, जिसे कवच प्रणाली भी कहा जाता है, या TCAS क्या है। कवच, ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड एक टेक्नोलॉजी है जिसको RDSO ने डेवलप किया, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेलवे के लिए, इंडियन रेलवे के लिए डिजाइन किया गया, जिसे 2012 में SIL का सर्टिफिकेशन भी मिला, सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल 4 का सर्टिफिकेशन भी मिला। इन आर कंट्री आर ओन टेक्नोलॉजी, आर ओन ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम TCAS ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इज अंडरवे, जो कि भारत में इंडियन रेलवे के द्वारा खुद ही डेवलप किया गया। भारत के द्वारा एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका सफल परीक्षण 2022 में भी किया गया था, जिसे TCAS कहा जाता है, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है TCAS? TCAS ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम एक ऐसी नई तकनीक है जिसके तहत अगर कोई ट्रेन आपस में एक दूसरे की तरफ भिड़ंत के लिए अगर मूवमेंट कर रही है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक स्वचालित ब्रेक लगा करके दोनों ट्रेनों को एक निश्चित दूरी पर ही ट्रेन के ऊपर रोक देता है, या कोई ऐसी ऑकवर्ड या ऑड घटनाएं होने वाली है उससे पहले ही उसको सेंस करके उस घटनाओं को होने से प्रोटेक्ट करता है और सुरक्षा करता है। TCAS बफर स्टॉक सुरक्षा और सिग्नल्स के बेस पे काम करती है, जो कि सेंसर्स द्वारा एक्टिवेट होती है। TCAS टेक्नोलॉजी के तहत यदि कोई दो ट्रेन आपस में भिड़ंत के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है तो तुरंत ही उसमें ऑटोमेटिक स्वचालित ब्रेक लग के एक निश्चित दूरी पे दोनों ट्रेनें रुक जाते हैं, या कोई ट्रेन किसी पटरी से छलांग लगा देती है या नीचे उतर जाती है तो तुरंत वो ट्रेन वहीं पे रुक जाएगी और बंद हो जाएगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, TCAS के बावजूद, इतनी ज़्यादा मात्रा में ट्रेन दुर्घटनाएँ हो रही है और काफ़ी सैकड़ों लोगों का जान ले रही है, ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल आपसे, हमसे, इस देश की सुरक्षा से, इस देश के बड़े नेताओं से जो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, और इस देश की टेक्नोलॉजी से, क्या TCAS फेल हो गया था उस ट्रेन में जो कि बालासोर में इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया, या उस ट्रेन में ये टेक्नोलॉजी ATP टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, और अगर थी तो उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल, आपका क्या राय है इस घटना से लेकर के, और जो मैंने आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया उससे आपके क्या राय है? क्या इंडिया के अंदर सारे ट्रेन्स में ये ATP सुरक्षा, कवच सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड आई विल अगेन कम बैक विद अ सिमिलर टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू, जय हिंद।